हेलो बच्चों, चलिए अब देखते हैं। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज से स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं। तो उसमें पहला चैप्टर है हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स एंड अरीन्स। तो इसके मैं पूरे इस चैप्टर के सारे नेम रिएक्शन ले रहा हूँ मैं, देख लीजिए। तो पहला लिया मैंने फिनक्लिस्टिन रिएक्शन, ये प्रिपरेशन का है। ये फिनक्लिस्टिन रिएक्शन, इससे फॉर्म होता है अल्काइल आयोडाइड। देखो अभी अल्काइल हेलाइड को मैंने रिएक्ट किया सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, तो क्या बनेगा? अल्काइल आयोडाइड और एन ए एक्स। तो अब देखो यहाँ पर ये आयोडाइड है, ये न्यूक्लियोफाइल, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देख लीजिए हेलोजन एक्सचेंज मेथड है ये आपकी, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, ये सॉल्वेंट है, ड्राई एसीटोन मतलब प्योर एसीटोन रहता है। तो ये देखो इसको एक्सचेंज कर दिया। तो अब यहाँ पर हेलोजन जो लेंगे आप, क्लोरीन और ब्रोमीन, मतलब अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल क्लोराइड या फिर अल्काइल ब्रोमाइड ही ले सकते हैं आप यहाँ पर, हो गया। अब मान लो अब इसका कोई हम एग्जांपल ले रहे हैं, मान लो कि हमने लिया यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड या ब्रोमाइड भी ले सकते हो, यहाँ पर अल्काइल को ले सकते हैं, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, ये दो तीन मेंबर ही काम के होते हैं। प्लस यहाँ पे लिया सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ, हमने लिया ड्राई एसीटोन। तो अब देखो ये आयोडाइड इस क्लोरीन को रिप्लेस किया, क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ बनेगा आपका सी एच थ्री आई प्लस एन ए सी एल, मिथाइल आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड बन गया। ऐसे आप कितने भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। तो जनरल रिएक्शन समझ में आना चाहिए। तो ये हो गया फिनक्लिस्टिन। फिनक्लिस्टिन रिएक्शन से हम क्या बनाते हैं? अल्काइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड, इस टाइप से एग्जाम्पल आएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट अब रिएक्शन है सॉल्ट्स रिएक्शन। सॉल्ट्स रिएक्शन क्या करते हैं? अल्काइल हैलाइड। अब अल्काइल हैलाइड में हैलाइड क्या ले सकते हैं? इसमें क्लोराइड और ब्रोमाइड, मतलब अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल ब्रोमाइड। और यहाँ पे एम एफ, एम का मतलब होता है मेटल, मेटल क्या लेते हैं? सिल्वर, कोबाल्ट, एंटीमनी, मर्क्यूरी, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया यहाँ पर, ये जो फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन इस हेलोजन को रिप्लेस करेगा और ये यहाँ पर आ जाएगा हेलोजन, तो बन गया अल्काइल फ्लोराइड और सोडियम हैलाइड, ठीक है। अब यहाँ पे मेटल फ्लोराइड, सिल्वर फ्लोराइड, सिल्वर फ्लोराइड मतलब आप क्या लेंगे, देखो बताता हूँ अभी, ए जी एफ सिल्वर फ्लोराइड, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, सॉरी इधर आ जाएगा आपका ए जी एक्स, ऐसा आएगा, मेटल लाना था सॉरी। तो अब यहाँ पे अगर आपने लिया कोबाल्ट, तो कोबाल्ट फ्लोराइड, तो ये बन गया आपका अल्काइल फ्लोराइड, यहाँ पे आ जाएगा आपका कोबाल्ट फ्लोराइड, कोबाल्ट हैलाइड, इस टाइप से, ठीक है। उसके बाद में फिर आपने यहाँ पे लिया एंटीमोनी एस बी एफ थ्री, तो यहाँ पर बना अल्काइल फ्लोराइड और यहाँ पर जाए आपका एस बी एक्स थ्री, यानी एंटीमोनी ट्राई फ्लोराइड बाहर निकल जाएगा। फिर आपने लिया मर्क्यूरी, तो एच जी टू और यहाँ पे लिया एफ टू, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका एच जी टू एक्स टू, बैलेंस कर लें सारे रिएक्शन उसके हिसाब से, ठीक है ना। तो ऐसा आपको करना है। तो आपने अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट किया आपने सिल्वर फ्लोराइड, कोबाल्ट फ्लोराइड, एंटीमनी फ्लोराइड, मर्क्यूरस फ्लोराइड, तो क्या बनेगा आपका? अल्काइल फ्लोराइड क्या होगा? एग्जांपल कोई भी ले सकते हैं, अल्काइल आप क्या ले रहे हैं? मिथाइल इथाइल, ऐसा कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके दो रिएक्शन इसके। अब हम देखते हैं थर्ड रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन देखते हैं अब यहाँ पर। अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है वुड्स रिएक्शन, डब्ल्यू यू आर टी जेड, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन क्या करते हैं हम लोग? अल्काइल हैलाइड को किससे रिएक्ट करते हैं हम लोग? सोडियम मेटल के साथ। तो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या बनेगा? हायर अल्केन कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, बैलेंस करके लिख दे रहा हूँ। तो अब यहाँ पे क्या करना, ट्वाइस एन ए एक्स बाहर निकाल दिया, इसको कपलिंग आर आर बन गया हायर अल्केन। अब मान लो आपने यहाँ पर एग्जांपल लिया, अभी समझो यहाँ पे लिया आपने मिथाइल आयोडाइड लिया प्लस सोडियम मेटल, इसको बैलेंस करके लिख रहा हूँ मैं। तो अभी यहाँ पर आपका इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और वर्ड्स का टेंशन मत लो, जो दिख रहा है वो लिखना है, जैसे कि मिथाइल आयोडाइड रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म इथेन, इसमें एक कार्बन का दो कार्बन हो जाएगा, दो का चार, चार का आठ, ऐसा हो जाएगा, इथेन बना और क्या बनेगा? एन ए आई, ट्वाइस एन ए आई बाहर आ गया, डबल हो जाता है। तो इसमें कन्वर्जन आता है, हाउ विल यू कन्वर्ट मिथाइल आयोडाइड इंटू इथेन, डबल जिसमें हो रहा है मतलब वुड्स रिएक्शन है। ऐसा आपको कोई भी एग्जाम्पल बना सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हो गया आपका वुड्स रिएक्शन। तो इसमें ही एक और पार्ट है वुड्स रिएक्शन में।
अगर आपने लिया डिफरेंट अल्काइल हैलाइड, देखो अब यहाँ पर डिफरेंट अल्काइल हैलाइड, तो यहाँ पे मैं आर डैश कर रहा हूँ, हेलोजन सेम रहते हैं, सिर्फ अल्काइल ग्रुप चेंज इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो अब यहाँ पे देखो इसका सेल्फ कपलिंग कर दो, तो इससे बन जाएगा आपका आर आर, दो डब हो गए, टू टाइम्स आर, प्लस इसका सेल्फ कपलिंग, तो आर डैश वही हो गया, प्लस क्रॉस कपलिंग, एक आर ये और ये आर आर डैश प्लस एन ए एक्स, बैलेंस करते सिक्स, यहाँ पे थ्री, यहाँ पे सिक्स, यहाँ पे थ्री, बैलेंस कर लिख दिया मैंने, क्योंकि दो सेल्फ कपलिंग यूज हो गए आर आर और एक क्रॉस में, देखो यहाँ पे क्रॉस में, यहाँ पे दो सेल्फ कपलिंग और एक क्रॉस में चला गया, देख लीजिए। अब एग्जांपल आपको जो लेना आप ले सकते हैं, यहाँ पे मान लो मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिया है मिथाइल आयोडाइड प्लस सोडियम मेटल, बैलेंस का लिखता हूँ, ऊपर बैलेंसिंग कर चुके हैं हम लोग, देख लीजिए, प्लस यहाँ पे लिखा मैंने थ्री, यहाँ पे लिखा मैंने इथाइल आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो इसका सेल्फ कपलिंग कर दो मिथाइल आयोडाइड का, तो दो मिथाइल हो जाएंगे, CH3 इथेन बन गया, प्लस इसका सेल्फ कपलिंग, तो CH3 CH2, डबल कर दिया CH2 CH3, अब क्रॉस कर दो CH3 और यहाँ का CH3 CH2, मतलब तीन कार्बन CH3 CH2 CH3 प्लस NaI6 हो गया, देख लीजिए। तो वुड्स में दोनों का लेना है तैयार। उसके बाद फिर अब हम देखते हैं विलियमसन सिंथेसिस, अब देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन्स सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस, तो विलियमसन सिंथेसिस क्या होता है, ईथर। अब देखो यहाँ पर हमने क्या लिया, अल्काइल हैलाइड लिया हमने, इसको रिया किया हमने सोडियम एल्कोऑक्साइड, ठीक है ना, सोडियम एल्कोऑक्साइड RONA लिख देता हूँ, इन द प्रेजेंस ऑफ यहाँ पे लेते हम लोग क्या एल्कोहल, हीट करना पड़ेगा। तो अब इसमें क्या होता है, ये जो एल्कोऑक्साइड है न्यूक्लियोफाइल, ये दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करता है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यह बन गया आपका ईथर RO प्लस NaX। और इस मेथड से आप सिंपल और मिक्स्ड दोनों ईथर बना सकते हैं। सिंपल में दोनों अल्काइल ग्रुप सेम, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया यहाँ पर CH3I प्लस यहाँ पे लिया CH3ONA, यहाँ पे लिया मैंने एल्कोहल, हीट कर दिया, तो क्या बनेगा यहाँ पर, यहाँ से मतलब ये जो है मिथॉक्साइड आइनिस आयोडाइड को रिप्लेस करेगा, ये इधर आ जाएगा, ये बना आपका CH3O CH3 प्लस NaI, ये बनेगा डाइमिथाइल ईथर। मिक्स्ड भी बना सकते हैं, अब हमने यहाँ पे लिया CH3, तो आपका ये ईथर में भी काम हो जाएगा, तो वहाँ में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, तो ईथर की प्रिपरेशन नहीं है। तो यहाँ पे लिया मैंने मिथाइल आयोडाइड लिया, और इधर लेना आपको C2H5ONA। एक बात ध्यान देना ज़रा, मिक्स्ड में ये आपका अल्काइल हैलाइड जो लेंगे वो प्राइमरी रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपको स्मॉलर इधर लेना है और लार्जर इधर लेना है, ब्रांच भी इधर लेना है, इधर लार्जर ब्रांच, इसका ध्यान रखिए, इधर आपको प्राइमरी रहेगा, लेकिन अब ये देखो ये मिथाइल इथाइल ये भी दोनों प्राइमरी, मतलब मिथाइल इथाइल, तो लेकिन स्मॉलर इधर लार्जर इधर, अगर ब्रांचिंग करना तो इसको ही करना, इसको नहीं कर सकते आप ब्रांचिंग, क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी टर्शियरी यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल लिया हमने, अब क्या होगा देखो, इथॉक्साइड आइनिस आयोडीन को रिप्लेस करेगा, आयोडीन इधर आ गया, क्या बनेगा यहाँ पर CH3O C2H5 प्लस NaI, इथाइल मिथाइल ईथर बन गया, देख लीजिए ये मिक्स्ड है ऐसा। मिक्स में जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको लार्जर अल्काइल ग्रुप लेना है, क्या लेना है यहाँ पर लार्जर अल्काइल ग्रुप, ये ध्यान रखिए, और ब्रांच्ड यहीं पे लेंगे आप, ब्रांच्ड ये ध्यान रख लीजिए, ब्रांच्ड अल्काइल ग्रुप यहीं पे लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। इतना देख लीजिए आप इसको, अब देखते हैं नेक्स्ट अब देखते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ठीक है ना, ग्रिगनार्ड देख लेते हैं, सिक्स्थ नहीं फिफ्थ है शायद, जो भी है ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ग्रिगनार्ड रिएजेंट
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने के चांसेस ज़्यादा है इसके। तो ग्रिग्नर्ड एजेंट क्या होता है? अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को बोलते हैं ग्रिग्नर्ड एजेंट। तो अब हमने यहाँ पे लिया अल्काइल हैलाइड, उसको हमने मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये क्या होगा, कंबाइन हो जाएगा, बनेगा RMGX, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को बोलते हैं ग्रिग्नर्ड एजेंट। और इसका कोई भी एग्जाम्पल बना सकते हैं, CH3 I लिया प्लस मैग्नीशियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या हो जाएगा, CH3 MgI, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड बन गया, और वो बेस्ट ग्रिग्नर्ड रिएजेंट है। ठीक है, इसको कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर सैंडमेयर्स रिएक्शन। सैंडमेयर्स रिएक्शन ये आपको डाइजीनियम सॉल्ट में भी पढ़ने मिलेगा, तो यहाँ पढ़ लिया तो डाइजीनियम सॉल्ट में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब हमको क्या करना है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ये फॉर्मूला इसका। ठीक है, उसको हम किसके साथ रिएक्ट करते हैं, क्यूप्रस क्लोराइड और करस्पॉन्डिंग एसिड लेना। तो क्लोराइड, अगर आपको क्लोरोबेंजीन बनाया है तो यहाँ पे CU क्यूप्रस क्लोराइड और SCl लेना पड़ेगा। तो यहाँ बन गया आपका, देखो क्लोरोबेंजीन फॉर्म हो गया देखो, और इसमें से 100% नाइट्रोजन गैस ही निकलेगी बाहर। ठीक है, डाइजन सॉल्ट को कभी भी आपने रिएक्शन किया तो नाइट्रोजन 100% निकलेगी, ये ध्यान रखना आपको। उसके बाद फिर देखो, अभी मैंने अभी क्या किया यहाँ पर, इसको फिर लिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, उसको मैंने रिएक्ट किया, देखो अभी क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड और HBr लेना है। तो यहाँ बनेगा आपका ब्रोमोबेंजीन फॉर्म हो गया, आपका ब्रोमोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन गया, देखो 100% निकला। तीसरा देखते हैं, अभी इसी को बना देता हूँ, हो गया इतना, देख लीजिए। अब क्या करते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम किससे रिएक्ट करते हैं, पोटेशियम आयोडाइड। तो यहाँ पे बनेगा आपका आयोडोबेंजीन, यहाँ से नाइट्रोजन गैस और पोटेशियम क्लोराइड निकल जाएगा, मतलब इसमें ये डाइजोनियम ग्रुप रिप्लेस होता है इसके अंदर। ठीक है ना, तो उसमें से नाइट्रोजन 100% निकलती है। ठीक है, ये क्लोनिया किससे कंबाइन, बाकी में नहीं करना, सिर्फ KI लिया तो भी करना है। तो ये हो गया आपका सैंडमेयर रिएक्शन, तो आपका डाइजोनियम सॉल्ट का भी कवर हो गया, डबल पढ़ने की जरूरत नहीं, एक बार यहाँ पढ़ लिया तो अमाइंस का वो जो कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन वहाँ कवर हो जाएगा डाइजोनियम सॉल्ट का। ठीक है, टाइम थोड़ा कम है, उसलिए ज़रा मैं जल्दी जल्दी ले रहा हूँ। ठीक है, अब देखते हैं फ्रिडल क्राफ्ट सेवेंथ रिएक्शन नंबर मुझे याद नहीं है, मैं जल्दी ही कर रहा हूँ, उसके आगे पीछे हो सकते हैं। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन देख लीजिए। तो अब आपने यहाँ पे लिया क्लोरोबेंजीन को हमने किससे रिएक्ट किया, मिथाइल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, फिक्स्ड कैटलिस्ट इसका फ्रिडल क्राफ्ट का। तो अब ये अब क्या करेगा, ये मिथाइल ग्रुप यहाँ के ऑर्थो और पैरा, क्योंकि क्लोरोबेंजीन जो होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, उसके लिए दो प्रोडक्ट बनने वाले हैं इसके, मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट। देखो अब यहाँ पे ऊपर लिखता हूँ क्लोरीन, यहाँ पे लिखा मैंने CH3, ये हो गया ऑर्थो का प्रोडक्ट। अब यहाँ पर लिया मैंने दूसरा, पैरा पे आ जाएगा आपका क्या, मिथाइल ग्रुप प्लस क्या बनाया यहाँ पे, ट्वाइस HCl निकाल दो बाहर, इसको ट्वाइस कर दो, इसको ट्वाइस बैलेंस कर दिया मैंने। देखो एक बेंजीन का ऑर्थो पोजीशन का H रिप्लेस करके मिथाइल ग्रुप, दूसरे बेंजीन का पैरा पोजीशन का H रिप्लेस करके मिथाइल ग्रुप, तो इसका नाम आएगा आपके 1 2, इसका आएगा 1 2 3 4, मतलब 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, इसका हो जाएगा 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन, बराबर है, नेम कर लीजिए। और पैरा के प्रोडक्ट मेजर नाम आएगा ना, 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन, इसका होगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, ये मेजर प्रोडक्ट और ये माइनर प्रोडक्ट होगा आपका। ठीक है, एक ये हो गया। अब दूसरा देखते हैं, 8th फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन। तो अब क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन को हम किससे रिएक्ट करते हैं यहाँ पर,
एसिटिल क्लोराइड सी एच थ्री सी ओ सी एल इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड. तो यहाँ बनेगा आपका प्रोडक्ट देखिए सी ओ सी एच थ्री, ऑर्थो का एच रिप्लेस होगा सी ओ सी एच थ्री से. यहाँ पर क्या होगा आपका पैरा का एच रिप्लेस होगा सी एच थ्री सी ओ ग्रुप से और बाई प्रोडक्ट एच सी एल ही बनेगा इसका. तो इसका नंबरिंग ऐसे करना 1 2 मतलब 2 क्लोरो एसिटोफिनॉन इसका हो जाएगा 1 2 3 4 4 क्लोरो एसिटोफिनॉन मेजर प्रोडक्ट वही है और ये माइनर ठीक है ना. अच्छा उसके बाद फिर देखते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट अब वुड्स फिटिग रिएक्शन. वुड्स फिटिग रिएक्शन वुड्स फिटिग रिएक्शन तो इसमें हम क्या करते हैं अल्काइल हेलाइड और आरायल हेलाइड जैसे मैंने लिया क्लोरोबेंजीन यहाँ पे लिया मैं सोडियम मेटल और फिर मैंने यहाँ पे लिया मिथाइल क्लोराइड लिया सपोज इसको ट्वाइस कर देता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. तो अब क्या बनेगा अब ये क्लोरीन मतलब क्या होगा इसमें से कपलिंग करते हैं NaCl बाहर निकल गया क्लोरीन यहाँ पे इंट्रोड्यूस बन गया आपका क्या टोलिन मतलब अल्काइल बेंजीन मिथाइल यहाँ लिया तो मिथाइल बेंजीन इथाइल लिया तो इथाइल बेंजीन ऐसा आएगा ठीक है ना सिंपल रिएक्शन है. उसके बाद फिर देखते हैं फिटिक रिएक्शन सिर्फ फिटिक फिटिक. अब देखो इसको क्या करना है अराइल हेलाइड लेना है इसमें आपको ये लिया अराइल हेलाइड 2 times यहाँ पे लिया ट्वाइस एन ए इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो बनेगा यहाँ पर क्या डाइफिनाइल क्या बनेगा डाइफिनाइल डाइफिनाइल प्लस ट्वाइस एन ए सी एल देख लीजिए वुड्स फिटिंग ठीक है. अब बाकी इस चैप्टर के SN1 SN2 अच्छा करना ऑप्टिकल एक्टिविटी पार्ट अच्छा कर लेना ठीक है ना जो आपको दिया इंपॉर्टेंट वो कर लीजिए. तो ये मैंने इस चैप्टर के पूरे नेम रिएक्शन कर दिए ठीक है बाकी आप नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर दे दें आपको ठीक है. चलिए स्टॉप करते हैं.